ऊपर चुप को कोई वैल्यू नहीं है। लैंड पर जॉब ही है, पहले कट्ठा या बीघा मिलता था, अब तो एक कट्ठा नहीं मिला तो परेशानी तो होगा ही होगा। पटना को इतना सुंदर बनाया कौन? नीतीश कुमार। जनता का राज किसने किया? नीतीश कुमार। पलटी मारेंगे। इनका नाम हो गया कुर्सी पद। नरेंद्र मोदी जी से लव मैरिज ना करें, कोर्ट मैरिज करें कि रजिस्टर्ड हो जाए, बराबर मोदी जी के साथ रहे। दसवां कल के मुंडन कराएंगे नीतीश जी। नीतीश जी सम्राट जी उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ऊपर चुप को कोई वैल्यू नहीं है। और सम्राट सबसे पहले मरना चाहिए। क्या उनका पिता कहते थे ये मोदी को भागलपुर के धरती में ही गाड़ देंगे, तो उनका पिता का भी बात जुमला निकला और ये सम्राट पगड़ी में बांध नीतीश कुमार को कुर्सी से उखाड़ फेंकूंगा। आज उनका पकड़ी का भी अस्तित्व न बचा, न उनका अस्तित्व बचा। और ऊपर चुप कोई बिहार में नीतीश कुमार कोई वैल्यू देते क्या कहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? 9वीं वर्ष शपथ ग्रहण समारोह जा रहे हैं शपथ करने के लिए मुख्यमंत्री। देखिए क्या अब कुछ कहना नहीं है, ये विधवा विलाप वाला चीज नहीं है। नीतीश जी कल भी खुश थे, आजो खुश है। नीतीश जी को जनता से परवाह नहीं है। अभी बताया थे भरी सभा में कर्पूरी जी के जयंती में बताए थे वो। लेकिन ये बात समझ में नहीं आया कि आप पद के लिए बने हैं कि समाज के लिए बने हैं। पहले मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सम्राट जी से माफ़ी मांग लिया क्या, जिसने सम्राट जी कहे थे कि जब तक नीतीश को मैं हटाऊंगा नहीं तब तक मैं पगड़ी खोलूंगा नहीं। पगड़ी क्या खोलेगा? अभी सुनिए, अभी मैं विजय सिन्हा जी से पूछना चाहता हूं कि स्पीकर पद पर बैठते हुए भी बेइज्जत किया था माननीय नीतीश कुमार, आप उस समय भी क्या अपने भूमिहार समाज से माफ़ी मांगेंगे? जीतनराम मांझी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि मुसहर समाज में जाके माफ़ी मांगेंगे अपने समाज में कि जिन्होंने नीतीश कुमार ने इस तरीका से बेइज्जत किया था, एज ए पूर्व मुख्यमंत्री के भी नहीं ध्यान रखा। सम्राट जी पगड़ी खोलेंगे सवाल उठा रहे हैं। देखिए बिहार की 13 करोड़ जनता चाहती थी कि ये बदलाव हो, जिसका परिणाम आज सामने देखने को मिला है। भगवान खोलेंगे, सुनिए भाई, पहले भगवान राम का अपमान तेजस्वी यादव को उनके अड़ी पड़ा, क्या स्थिति बनी? भगवान राम को जूता वाले को जनता ने रसातल में ढकेल दिया। देखिए उनका सवाल है कि पगड़ी खोलेंगे सम्राट जी। अरे भाई अगर ये की कोई चर्चा नहीं है, बिहार अरे चर्चा इसकी होनी चाहिए। देखिए चर्चा इसकी होनी चाहिए, बिहार आगे बढ़े। सही बात बोल रहे हैं, बिहार 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 बढ़ना चाहिए, ये अच्छी बात बोल रहे हैं भाई साहब। लेकिन सरकार जो है तेजस्वी का ही होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों मिलकर सरकार चला रही थी। आपको याद कराना चाहता हूं 2014 में इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी दूंगा, नहीं दिया, 15 साल में नौकरी बंद कर दिया। तेजस्वी यादव ने बोला था कि मेरा सरकार आएगा तो मैं 10 लाख युवाओं की नौकरी दूंगा, जो आज नौकरी दिया 4 लाख नौकरी दिया, आज स्वास्थ्य शिक्षा हुआ 4 लाख सरकारी। और जो लैंड पर जॉब में, अरे सुनिए हुआ तेजस्वी का, देखिए सही बात है, लैंड पर जॉब ही है, पहले कट्ठा या बीघा मिलता था, अब तो एक कट्ठा नहीं मिला तो परेशानी तो होगा ही होगा। इसी कितना हत्या हो रहा है, लगातार हत्या कर सरकार बदली, ठीक है सरकार बदल गया, कल से चूसब नहीं बोलेगा कोनो क्रिमिनल। देखिए अरे भाई साहब ये सारा जस्ट उल्टा है, आप समझ लीजिए, रोजगार नहीं मिलेगा, नया लोग की जरूरत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि 4 लाख जो है वो माननीय राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है ना, तो क्रेडिट किसको जाएगा? कौन बाहरी निकाले पटना को? सर पटना को इतना सुंदर बनाया कौन? नीतीश कुमार। जनता का राज किसने किया? नीतीश कुमार। न्याय का राज कौन किया? NDA। दूसरा कोई नहीं किया है। अभी एक थानेदार से पूछिए कि इस क्रिमिनल क्राइम में कौन इन्वॉल्व है, तो उनका आदमी इन्वॉल्व है। दिक्कत हो ही ना रहा, तब ना जाके सरकार बदला है। इतना बार पलटिएगा, अरे पलटने के लिए बिहार
जितना बार पलटना होगा पलटेंगे, एक बार और पलटिएगा, और जितना बार पलटना होगा पलटेंगे बिहार के हित में। तीन महीना में फिर पलटी मारेंगे। इनका नाम हो गया कुर्सी पद, कुर्सी कुमार। जैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, वो बोले थे अशोक गहलोत जी, परिवार बात नहीं सोच, अशोक गहलोत जी बोले थे कि कुर्सी हमको छोड़ना ही नहीं चाहता है, बस वही हो गए नीतीश कुमार। अब कुर्सी तो साथ में ही लेके जा रहे हैं, कुर्सी अब साथ में ही लेके जा रहे हैं, साथ में लेके ही जाएंगे। अब देखिए, अब अस्थिर से रहे, कहीं भी रहे, बस यही हम लोग चाहेंगे कि कहीं लग रहा है कि अब मुख्यमंत्री विकास करेंगे ज्यादा एनडीए के साथ रहे। विकास तो करना चाहिए, एनडीए के साथ आए हैं, बहुत खुशी की बात है। लेकिन और एक खुशी की बात है कि नरेंद्र मोदी जी से लव मैरिज ना करें, कोर्ट मैरिज करें कि रजिस्टर्ड हो जाए, बराबर मोदी जी के साथ रहे। कोर्ट मैरिज करें नरेंद्र मोदी से, लव मैरिज पर कोई भरोसा हम लोग का नहीं है, हम लोग कोई भरोसा नहीं है नीतीश कुमार से एकदम। देखिए, आज 8 बार हुआ, आज 9वां बार हुआ, जनुआ बार जी आप बतलाइए, आप तो मीडिया हैं, दिन रात रहते हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि अब आए हैं बढ़िया से नरेंद्र मोदी जी के साथ, तो कोर्ट मैरिज करके शादी करके क्या कर रहे हैं, दसवां करके मुंडन कराएंगे नीतीश जी मुंडन एक बार और, हाँ दसवां करके मुंडन कराएंगे एक बार और, वो पलटी एकदम निश्चित। कुछ ना बताओ, नीतीश कुमार जी जो ऐसे शख्स है ना कि 10 बार या 5 बार बिहार का क्या करके दसवां करके मुंडन करवाएंगे नीतीश जी, 10वीं बार पलटी मारेंगे नीतीश कुमार। देखिए, तमाम वो जितने भी ये लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी, पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।